मेरा कुछ साथ है नंदनी को साथ साइड करना नंदनी को नंदनी अरे नंदनी फ्रेम में आ रही है तू बोल ना चलो स्टार्ट करते हैं एक मिनट थोड़ा स्पेस चाहिए हाँ इधर कर दो ना बामला साथ तुम करो तुम करो लाइक नहीं बहुत ही सेट काफी अलग बॉस के लिए आप आज शूट कर रहे हैं बामला पॉल्यूशन के लिए इसके बारे में सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है एयर पोल्यूशन का और देखिए मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो 13 सिटीज़ हैं जो 20 सिटीज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं उसमें 13 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया में हैं जो पोल्यूशन के अंडर आती हैं वर्स्ट पोल्यूशन सो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस कॉज है और ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड टुडे सो आई थिंक उसके लिए भामला फाउंडेशन SBI यूनाइटेड नेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट साथ में आए हैं कि हम इसके लिए कुछ करें इस कॉज के बारे में लोगों को अवेयर कराएँ एंड हाउ टू सॉल्व इट हाउ टू एट लीस्ट फाइट इट बिकॉज ये हमारे लिए नहीं है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए है तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज दैट्स वाई यू नो आई ऑलवेज स्टैंड विद मिस्टर भामला हियर थैंक यू सो मच रश्मि अगर बात की जाए इस तरह के सोशल कॉज की तो एक्टर्स आज खुलकर बाहर आ रहे हैं इस तरह के कॉज को प्रमोट करने के लिए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप साथ लेके चलते हैं जब इस तरह की कॉज को आप प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं आई थिंक ये सिर्फ एक्टर्स की नहीं है किसी एक जने की नहीं है हम सब की जिम्मेदारी है हम सब की ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी अहमियत को समझें इसकी सीरियसनेस को समझें क्योंकि ये आज नहीं तो अभी ऑलरेडी इतना देखिए पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली हमारी जो है कितनी बार वर्ल्ड की नंबर वन पोल्यूटेड सिटी में आती है तो आई थिंक बेसिक एक चीज़ है क्लीन एयर जो हमें नेचर ने दी थी बट आई थिंक समवेयर हमने उसको ख़राब कर दिया है तो अगेन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मदर अर्थ के लिए नेचर के लिए वापस उस क्लीन एयर को लाएँ और आप अपने लिए हमारे आने वाली जनरेशन के लिए देयर आर सो मेनी यू नो डेथ्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ बैड एयर तो बहुत प्यारा एक सॉन्ग बनाया है क्योंकि म्यूजिक की रीच बहुत ज़्यादा होती है आई थिंक म्यूजिक कनेक्ट्स वेरी वेल विद एवरीवन तो शामक सर ने कोरियोग्राफ किया है इसको थोड़ी सी हवा आने दे सर आप हवा आने दे या हवा आने दे पिछले साल आप लोगों ने देखा था टिक टिक प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन था और बहुत ही सिंगर्स ने सारों ने मिलकर एक्टर्स ने सपोर्ट किया तो इस बार अपफ्रंट में भी हमने सोचा कि भाई क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने मिलकर काफ़ी सहयोग किया तो हमने सोचा कि भाई एक जॉइंट इनिशिएटिव करें और ज्ञान से लोग परेशान और थक गए हैं तो संगीत के माध्यम से जो है क्योंकि नौजवान और जो नववर्ग है वो इस भाषा को ज़्यादा समझता है इसको ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है इसके लिए जब मैंने तमाम फिल्म के जो लोगों से मैंने जब बात की चाहे वो कपिल शर्मा जी हो चाहे अन्य जो लोग हैं शंकर माधवन जी हो दिया मिर्ज़ा जी हो राजकुमार जी से मैंने कहा हालांकि उनकी शूटिंग थी उन्होंने वो कैंसिल करके उनका इस कॉज के लिए मैं डेफिनेटली समर्पित हूँ क्योंकि ये गाना रिलीज़ हो रहा है ये गाना रिलीज़ हो रहा है 5 जून को जो जागतिक पर्यावरण दिवस है और उस दिन में कार्टर रोड पे तमाम फिल्म के लोग तमाम सियासी हलके के लोग तमाम स्पोर्ट्स पर्सन्स भी उसमें बड़े पैमाने पे शामिल होने वाले हैं तो राजकुमार जी का हमेशा पर्यावरण को लेके एक अलग ही रुचि रही और मैं समझता हूँ ये कोई नई बात नहीं है इसके पहले भी उन्होंने ग्रीन मैराथन को भी सपोर्ट किया तो ऐसे जो नौजवान हैं क्योंकि ये रोल मॉडल है शायद हमारे में से कोई रेगुलर व्यक्ति अगर ये बात करेगा तो शायद कोई इस बात को ना माने लेकिन ये जो कहते हैं वो एक स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है और वो नौजवानों की जो आउटरीच है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है तो और हमें खुशी है कि राजकुमार जी जैसे लोग हैं जो निस्वार्थ मतलब यू नो अपने काम से अलहदा हट कर भी इस किस्म की कामों में रुचि ले रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बहुत सहयोग किया है और आप लोग देखोगे कि कुछ ही ये पूरा जो कैंपेन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पर देश भर में इसको यू नो प्रमोट करने जा रही है सारे उनके जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनके जो माध्यम हैं और इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके मुताबिक दिल्ली में भी होने जा रहा है विज्ञान भवन में पर्यावरण मंत्रालय में और आज और यूनाइटेड नेशंस का भी इसमें सहयोग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत हमें सहयोग किया है इसे एक अच्छे लेवल पर पहुँचाने के लिए और मैं दिल से राजकुमार जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा वो एक कॉल पर ऐसे अच्छे और नेक कामों के लिए वो हमेशा उपस्थित रहते हैं कितना अग्री करते हैं आप उनकी इस बात पे कि मतलब यू नो बोलने से ज़्यादा सॉन्ग्स पर लोगों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है देखिए काम होना चाहिए वो चाहे बोलने से हो या सॉन्ग से हो चाहे म्यूज़िक के थ्रू हो जैसे मैंने पहले कहा म्यूज़िक की रीच ज़्यादा होती है आई थिंक लोगों का एक अचानक से एक अटेंशन आता है इंटरेस्ट आता है एंड उसके थ्रू अगर यू नो आपका काम हो रहा है कि लोग आर एटलीस्ट गेटिंग अवेयर अबाउट दिस प्रॉब्लम
and they are thinking that how to resolve this problem. I think that's the whole point of, you know, taking up this initiative. तो वो होना चाहिए, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट. ओके, राजकुमार जी के साथ में मेंटल है कि आपको भी सोलो रिलीज की डेट मिल गई है. ओनली रिलेटिंग टू पोल्यूशन, यू नो, नॉट अबाउट द फिल्म. कंगना ने उसके ऊपर फिर भी अटैक किया. दे नॉट He's come for the cause. Just talk about the cause. Talk about the cause. Talk about the cause and the issue. No? Better. No? आप लोग को वैसे ही आप लोग स्टार्स लोग तो बहुत मिलेंगे आगे. Thank you. उनको एक अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और यूएनओ के लिए भी एक रिकॉर्ड करना चाहिए. Thank you so much. Thank you all. देखिए, एकता has given an opposition statement. Ritik sir has given an opposition statement. So I think what can I say? It's their decision. अच्छा. हमारे जो हैशटैग है हमारे गांव का वो है चल हवा आने दे और अच्छी हवा क्लीन हवा साफ हवा साफ हवा. राजकुमार जी जैसे लोग हैं जो निस्वार्थ मतलब यू नो अपने काम से अलहदा हटकर भी इस किस्म की कामों में रुचि ले रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बहुत सहयोग किया है और आप लोग देखोगे कि कुछ ही ये पूरा जो कैंपेन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पर देश भर में इसको यू नो प्रमोट करने जा रही है. सारे उनके जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनके जो माध्यम हैं और इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके मुताबिक दिल्ली में भी होने जा रहा है विज्ञान भवन में पर्यावरण मंत्रालय में और आज और यूनाइटेड नेशंस का भी इसमें सहयोग रहा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत हमें सहयोग किया है इसे एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए और मैं दिल से राजकुमार जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमेशा वो एक कॉल पर ऐसे अच्छे नेक कामों के लिए वो हमेशा उपस्थित रहते हैं. जो आप कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर कि कुछ आपको मसाला मिल जाए, कंट्रोवर्सी मिल जाए,
ऐसे मतलब आधा घंटा वेट किया कि राजकुमार को अकेले पकड़ लेंगे, कुछ कंट्रोवर्सी मिल जाए। फिल्म रिलीज है 26 जुलाई को, फिल्म बन गई है, तैयार है, और उसके रिलीज की डिसीजन डेट तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो मेकर्स के हाथ में है, तो वो डिसाइड करेंगे। मैं अभी शूटिंग कर रहा था, कल ही मैं आया हूँ हरियाणा में 44 डिग्रीज में ओपन सन के अंदर, तो वहाँ पे कुछ टाइम नहीं था, नेटवर्क नहीं था क्या करने का। यस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपका। जानवी इज अ ग्रेट गर्ल, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, अ गुड फ्रेंड, तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। इट्स अ वेरी क्वर्की स्क्रिप्ट। थैंक यू। पिछली बार भी सारे रोजे रखते हुए आसमान ने किया था, फिर से जैसे फंक्शन था हां पॉलिसी करते हैं ईज विद एनवायरनमेंट शर्मा पे पानी एकदम जा रहा है।